BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत खसरा और रूबेला का विशेष टीकाकरण अभियान चलने वाला है। उससे पूर्व सासनी सीएससी पर नगर के प्रमुख गणमान्य लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें इस अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने पर विचार विमर्श हुआ। एक जो टीकाकरण अभियान चलेगा 26 नवंबर से और आने वाले 5 हफ्ते तक, तो हमारे लेवर साहब आप बताइए कि ये क्यों जरूरी है टीकाकरण? समय वो तैयार है, हमारी जो मेन चीज जो टीकाकरण करने जाएंगी, बेकॉप जाए, कहीं भी कोई भी कैसी भी परेशानी हो हमें फ़ोन करें और हम जो हर संभव मदद होगी वो हम सब करेंगे। हम तो आपके हैं, मौलाना साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो भी अपनी मदद के लिए हम हर संभव हर समय तैयार है। और बहुत सी बीमारियाँ थी जिससे बहुत मौतें होती थी हमारे बचपन में, हैजा ऐसे नामराज बीमारी थी, लोग बचते नहीं थे, मर जाते थे, ऐसी मलेरिया था और बहुत सी बीमारियाँ थी। फिर ये अभी आपके दौर में पोलियो आया, तो अल्लाह का फजल है और आप लोगों की मेहनत और हमारे महकमा सेहत की भरपूर कोशिश और ताउन कि आज हमारे मुल्क से तकरीबन पोलियो का खात्मा हो गया। इसी तरह से अब ये बीमारियाँ नहीं आई हैं, खसरा तो पुरानी बीमारी है लेकिन याद हमारी है, जिसके नुकसान ये हैं आमतौर से ये बीमारी औरतों में ज़्यादा होती है। तो ये बीमारी अगर हमारी बच्चियों को लगे तो सबसे बड़ी तो परेशानी ये है कि या तो उसका हमल गिर जाएगा, इस्कात हो जाएगा महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और अगर बच्चा पैदा हो भी गया 9 महीने का पूरा हो के, तो या तो उसके दिल में छेद हो जाए, या उसके दिमाग में कोई कमी हो जाए, या अपंग हो जाए, लंगड़ा हो जाए, या अंधा हो जाए, या बहरा हो जाए, तो हम में से कोई चाहेगा कि ऐसा हमारे बच्चे के साथ हो? इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अभियान चलाया है और हमारे डॉक्टर साहब भी इसके लिए मुस्तैद और तैयार हैं और आप भी तैयार हैं कि बच्चे को जो 9 महीने से लेके 15 साल तक का हो, हर बच्चे को, लड़का हो या लड़की, सबको ये टीके लग जाएँ। तो हमारी ये कोशिश हो कि कोई बच्चा छूटने ना पाए। अच्छा, हमेशा हिस्सा है ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर वहम करना, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, ये चीज़ें